हेलो फ्रेंड्स, हलवाई जैसी स्ट्रीट स्टाइल्स चटनी घर पे ही बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 कप पानी। आप आमचूर पाउडर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको चटनी में खटास ज़्यादा चाहिए, इसको अच्छे से आप पानी में मिला लें, डिजॉल्व कर लें। अब एक पैन में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डालना है मैंने जीरा 1 टीस्पून। जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे। इसमें मैंने कुछ मेलन सीड्स और कुछ किशमिश भी डाली है। अगर आपके पास ना हो तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून हींग। बट मैं हिमाचल में रहती हूँ तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हींग अवेलेबल है। इसको मैंने डायरेक्ट 2 से 3 ड्रॉप आमचूर की स्लरी में डाल दिया है। अब स्लरी को हम मिक्स कर लेंगे ऑयल में। अब इस मिक्सचर को हम 3 से 4 मिनट तक गैस पे मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। स्वीटनेस के लिए आपको ऐड करना है 1/2 कप शुगर, या तो 1/2 कप आप गुड़ ले लें। मैंने गुड़ लिया है, आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अब आपको ऐड करना है 1/2 टीस्पून काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। इसके बाद 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक लिया है मैंने, नॉर्मल सॉल्ट। और ये चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल थे तो मैंने वही ऐड किए हैं। अब इस मिक्सचर को आप पका लें जब तक कि ये गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाएगा। अगर आपको लगता है कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी आपको डालने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दें, 5 से 10 ml के आसपास। अब इस मिक्सचर को अच्छे से पका लें सो दैट मिक्सचर आपका थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखो इस टाइप की कंसिस्टेंसी, और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरीके से हलवाई की चटनी जो होती है वैसा ही हो जाएगा। चटनी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको एक कप में पोर कर दिया है। ये देखो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार चटनी बन के तैयार हुई है। आप इसे खा सकते हैं समोसा, पापड़ी, चाट या दही भल्ले के साथ। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।